तो ऑल लोड कैसे और वीडियो लेके, तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वालों की कैसे आप लोग पबजी मोबाइल का अपडेट कर सकते हैं 1.4 के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि 1.4 का अपडेट आ चुका है और भाई ये वाला जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और गाइस इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कर सकते हो। आज की वीडियो में आप लोगों को ग्लोबल और केआरके दोनों की ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक बताऊंगा। डाउनलोडिंग के लिए आप लोगों को वीपीएन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जिसमें बहुत सारे वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है और डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और जैसे वीपीएन को बंद करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोडिंग भी नहीं होती। बट आज की वीडियो में आप लोग को जो ट्रिक बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा ईजी होगी और ट्रिक थोड़ी सी ईजी है, बट अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को स्किप करते ही देखते रहना, तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देखे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बात कर लेते हैं आप लोगों को ग्लोबल वर्जन को कैसे अपडेट करना है। देखो भाई, ग्लोबल वर्जन और केयर वर्जन को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दो लिंक मिलेगी, एक होगी ग्लोबल वर्जन की और एक होगी कोरियन वर्जन। तो उन लिंक से डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ईजी है ग्लोबल वर्जन और केयर वर्जन को। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर एक वीडियो का लिंक होगा हाउ टू ओपन माई लिंक करके, तो उस वाली वीडियो को आप लोग जाके देख लेना, सब लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को मेरी लिंक से डाउनलोड करना है और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है और आप लोग उससे ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।